गुड इवनिंग एंड वेलकम टू द ड्रीम क्लासेस। और आज हम लोग पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता के बारे में। तो देखिएगा, वैदिक सभ्यता जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता के प्रारंभ होने के बाद प्रारंभ हुई। यानी जब सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया था, तब किस सभ्यता का उदय हुआ? वैदिक सभ्यता। तो देखिए, यहाँ पर हमने आप लोग को बताया कि सिंधु घाटी सभ्यता के बाद वैदिक सभ्यता का उदय हुआ, ठीक है। फिर हमने बताया कि वैदिक सभ्यता का अन्य नाम आर्य सभ्यता भी कहा जाता है। तो देखिएगा, यहाँ पे प्रश्न आएगा कि हम पढ़ रहे हैं वैदिक सभ्यता और फिर सर बता रहे हैं आर्य सभ्यता। तो देखिएगा, वैदिक सभ्यता की खोज जो है वो मुख्य रूप से आर्यों द्वारा की गई थी, ठीक है। और यही रीज़न है कि वैदिक सभ्यता को आर्य सभ्यता भी कहा जाता है। फिर हम लोग चलते हैं कि वैदिक सभ्यता को दो भागों में बाँट दिया गया था, ठीक है। तो वैदिक सभ्यता को दो भागों में बांट दिया गया और उसके बाद कुछ तथ्य हम आप लोग के लिए लिखाएं, फिर हम आप लोगों को डिफरेंस बताएंगे कि दोनों भागों में क्या डिफरेंस है। तो देखिए, ये दो भाग थे। पहला का नाम था ऋग्वैदिक पीरियड, ठीक है, यानी ऋग्वैदिक काल। ये जो है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक रहा। ये जो है SSC का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि ऋग्वैदिक काल कब रहा और उत्तर वैदिक काल कब से कब तक रहा। तो याद रखिएगा, ऋग वैदिक काल जो है वो आपको 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक रहा, लेकिन वही जो है उत्तर वैदिक काल वो आपको 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक रह पाया, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं कि आर्यों से संबंधित कुछ प्रश्न। तो देखिए, आर्य जो है जब भारत में सर्वप्रथम आए थे तो वो पंजाब एवं अफगानिस्तान में आकर बसे थे। तो यहाँ से टॉपिक बनता है कि आर्य सर्वप्रथम कहाँ पे आके बसे। तो आर्य सर्वप्रथम पंजाब और अफगानिस्तान में आकर बसे। देखिएगा, इस वीडियो में आप लोग हमारे साथ अंत तक रहिए, बहुत प्रॉफिट होने वाला है आप लोगों का, ठीक है। और फिर प्रश्न आएगा कि मैक्स मूलर नामक एक इतिहासकार थे, उन्होंने आर्यों का निवास स्थान मध्य एशिया में बताया, ठीक है। यानी मैक्स मूलर के द्वारा आर्यों का निवास स्थान कहाँ है? मध्य एशिया में है, ठीक है। फिर देखना है, हम आप लोग को बताते हैं कि आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो देखिएगा, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है कुलीन, और कुलीन और इसको आप श्रेष्ठ भी बोल सकते हैं, ठीक है। फिर हम लोग आते हैं कि वैदिक सभ्यता को मुख्य रूप से ग्रामीण सभ्यता थी। एक देखिए, ये भी बहुत SSC में पूछा जाता है कि वैदिक सभ्यता को और किस सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। तो वैदिक सभ्यता को आर्यों की सभ्यता कह सकते हैं, और पूछा जाएगा कि वैदिक सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता है। तो वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता है, ठीक है। फिर हम लोग आते हैं ऋग्वैदिक पीरियड में, फिर हम लोग आएंगे फिर उत्तर वैदिक में। तो ऋग्वैदिक में थोड़ा स्पीडली हम लोग चलेंगे। तो ऋग्वैदिक में सरस्वती ऋग्वैदिक काल की सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण नदी थी। सरस्वती नदी का आप लोग नाम सुने होंगे, जो ऋग्वैदिक काल की सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण नदी थी, और ये जो है अभी विलुप्त हो गई है एक मरुस्थल के रूप में, ठीक है। फिर हम लोग आते हैं कि किन किन नदियों का जिक्र ऋग्वैदिक पीरियड में, यानी ऋग्वेद में किन किन नदियों का जिक्र कितनी बार किया गया। तो देखिए, गंगा का सिर्फ एक बार, ये जो हम आपको बताएंगे ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, SSC में बहुत बार पूछा गया है। तो ऋग्वैदिक पीरियड यानी ऋग्वेद में गंगा का एक बार जिक्र किया गया है, यमुना नदी का जिक्र तीन बार किया गया, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, सिंधु नदी का सर्वाधिक उपयोग जिक्र किया गया, ठीक है। प्रश्न आएगा कि ऋग्वैदिक काल में किस नदी का सर्वाधिक जिक्र किया गया है, तो आप लोग को बनाना है सिंधु नदी। फिर देखिएगा, ऋग्वैदिक काल में यानी ऋग्वेद में गाय का जिक्र जो है 174 बार गाय का जिक्र किया गया है, और गायों को आर्यों द्वारा अधन्या कहा जाता है, और अधन्या का मतलब हुआ ना मारे जाने वाले पशु, ठीक है। यानी गाय को बहुत पूजनीय हम लोग मानते थे आर्यों द्वारा, सॉरी, ठीक है। तो ऋग्वैदिक काल में गाय का जिक्र 174 बार हुआ है, और इसको हम लोग बोलते थे अधन्या, ना मारने वाला पशु। फिर हम लोग पढ़ेंगे कि आर्यों का मुख्य व्यवसाय कृषि और पशुपालन था। प्रश्न आएगा कि आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि और पशुपालन, और इनका प्रिय पशु घोड़ा और प्रिय देवता इंद्र थे। चार टॉपिक क्लियर, कि आर्यों का मुख्य व्यवसाय कृषि और पशुपालन, मुख्य पशु प्रिय पशु घोड़ा, और प्रिय देवता इंद्र थे। आर्यों की प्रशासनिक व्यवस्था किस टाइप की थी? देखिए, कुल था, ग्राम था, विश था, जन था, और राष्ट्र था। ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि आर्यों का प्रशासनिक व्यवस्था किस प्रकार की थी। तो कुल, ग्राम, विश, जन, राष्ट्र। और भी देखिएगा,
ये जो ऋग्वैदिक पीरियड में है यहाँ पर यज्ञ की कोई, ठीक है, यज्ञ हवन इस टाइप का जो है ना, इसकी मान्यता नहीं थी। स्त्रियों को बहुत वैल्यू दिया जाता था ऋग्वैदिक पीरियड में, स्त्रियों को जो है वो बहुत मान्यताएं सम्मान दिया जाता था। और देखिएगा जब हम उत्तर वैदिक काल में आएंगे तो यहाँ से इन दोनों में बहुत उल्टा पुल्टा हो जाएगा, ठीक है, यानी इसके जस्ट अपोजिट। फिर हम लोग चलते हैं कि आर्यों द्वारा खोजी गई धातु लोहा, और लोहा का एक अन्य नाम होता है श्याम अयस्क। तो प्रश्न आएगा कि आर्यों द्वारा खोजी गई धातु होती है लोहा, और लोहा का अन्य नाम श्याम अयस्क। फिर हम लोग आते हैं वैदिक काल में मुखिया, वैदिक काल के मुखिया को ग्रामणी तथा विष के प्रधान को विषपति कहा जाता है। वैदिक काल के जो मुखिया होते हैं उन्हें ग्रामणी कहा जाता था और विष के प्रधान को विषपति कहा जाता था। ये सब इतना इम्पोर्टेंट। वैदिक काल का समाज जो है पुरुष प्रधान है, यानी किसी के घर में या किसी के समाज में पुरुष की प्रधानता ज़्यादा होती थी। फिर हम लोग आते हैं सभा एवं समिति, राजा को सलाह देने वाली दो संस्थाएं थी। देखिए सभा जो थी, ठीक है, वो उच्च संस्था थी, और समिति जो थी वो निम्न सदन था, ठीक है। सभा और समिति प्रजापति की दो पुत्रियां हैं, ये ऋग्वेद में कहा गया है। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे सभा एवं समिति राजा को सलाह देने वाली दो संस्था थी। सभा उच्च सदन था और समिति निम्न सदन था। फिर हम लोग आते हैं कि आर्यों ने युद्ध के लिए गविष्ट शब्द का प्रयोग किया, ठीक है ना। प्रश्न आएगा कि आर्यों ने युद्ध के लिए किस शब्द का प्रयोग किया, तो आपको बताना है गविष्ट, और गविष्ट का फुल अर्थ होता है गायों की खोज। फिर हम लोग बताएंगे कि जीवन भर अविवाहित रहने वाली स्त्रियों को ऋग्वैदिक पीरियड में आमाजू कहा जाता है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं उत्तर वैदिक काल। तो उत्तर वैदिक काल में विशाल साम्राज्यों का उदय हुआ, ठीक है, बड़े बड़े साम्राज्य आए, बड़े बड़े राजा महाराजा, वंशानुगत हो गया, यज्ञ होने लगे, हवन होने लगे, युद्ध होने लगा, ये आपका हो गया उत्तर वैदिक काल। तो उत्तर वैदिक काल में विशाल साम्राज्यों का उदय हुआ। इस काल में राजा विशाल पद पाने के लिए अश्वमेध यज्ञ, राजसूय यज्ञ, ये सब बड़े बड़े यज्ञ होते हैं, ठीक है, तो ये सब हो गए अश्वमेध यज्ञ, राजसूय यज्ञ। और फिर इनके जो पद को क्या कर दिया गया, वंशानुगत, यानी आप मरे तो फिर आपके पुत्र इस टाइप का कर दिया। देखिएगा उत्तर वैदिक काल के कुछ देवताएं हैं जिन्हें बहुत सम्मान दिया जाता था, जिन्हें हम लोग कह सकते हैं सम्मानित देवता, ब्रह्मा विष्णु और महेश। उत्तर वैदिक काल के तीन सम्मानित देवता थे ब्रह्मा विष्णु और महेश। फिर हम लोग को आएगा कि समाज का बंटवारा। तो देखिएगा उत्तर वैदिक काल में अब समाज बटने लगा, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चार भागों में उत्तर वैदिक काल के समाज को बांट दिया गया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ये जो है जिस टाइप से हमने आप लोग को लिखा उस टाइप से इनका जो है सम्मान या कहिए वैल्यू समाज में मिलने लगा। ब्राह्मण जो है वो मुख से आते थे, क्षत्रिय भुजाओं से, वैश्य जो है वो जांघों से, और शूद्र जो है वो पैर को डिनोट, पैर का जो तल होता है उनको डिनोट। देखिए ध्यान से समझिए, ब्राह्मण मुख से आते हैं, क्षत्रिय भुजाओं से, वैश्य जांघ से, और शूद्र जो होते हैं वो पैर के तली से, ठीक है। सबका अपना अपना वैल्यू दिया गया कि ब्राह्मण जब भी आएंगे मुख से, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। इस आधार पर जातियों का निर्माण हो गया। फिर हम लोग आते हैं कि देखिए हम यहाँ भी आपको बताए थे कि उत्तर वैदिक काल जैसे ही हम लोग आएंगे यज्ञ हवन होना स्टार्ट हो जाएगा, स्त्रियों को सम्मान में गिरावट आ जाएगी, यानी यहाँ पर स्त्रियों को पढ़ने लिखने का, बाहर निकलने का, मतलब सब चीज़ की स्वतंत्रता थी, यहाँ पे आए स्त्रियों को सारा फैकल्टी जो हो गया बंद हो गया। फिर बताना है, फिर है कि रामायण और महाभारत की रचना इसी काल में हुआ, उत्तर वैदिक काल में रामायण और महाभारत की रचना हुई। फिर इस काल में कुल 16 संस्कारों का जिक्र हुआ, आप लोग पढ़ते होंगे, ब्राह्मण लोग बताते हैं कुल 16 संस्कार होते हैं, 16 संस्कार होते हैं, ठीक है, तो ये सब जो है उत्तर वैदिक पीरियड का ही देन है। अब हम लोग आ जाएंगे महाजनपदों का उदय। तो एक छोटा सा टॉपिक और इसका जिक्र अगले वीडियो में फुल डिटेल्स के साथ करेंगे। तो देखिएगा बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ के अनुसार भारत में 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपदों का उदय हुआ, ठीक है। महाजनपद बड़े बड़े राज्यों, बड़े बड़े जो होते हैं ना राज्य, उनको कहा जाता है। तो बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ के अनुसार भारत की 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में कुल 16 महाजनपदों का उदय हुआ। तो इसमें से कुछ कुछ इम्पोर्टेंट महाजनपद और उनकी राजधानियां हम आप लोग को लिख के आए हैं, फिर अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो देखिए मगध महाजनपद की राजधानी गिरिब्रज, ये देखिए हेडिंग बनाए, कुछ प्रमुख महाजनपद है उनकी। अंग महाजनपद की राजधानी चंपा, काशी, वाराणसी, कौशल, श्रावस्ती,
बत्स, कौसाम्बी, गंधार, तक्षशिला, मल्ल जनपद की राजधानी कुशावती, ये आप लिख लीजिए अपने कॉपी में, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में आएगा। और अगले डिस्कस में महाजनपद पे करेंगे और उसके बाद उसी में हम लोग अब चलेंगे जैन धर्म, बौद्ध धर्म। तो कंटिन्यू आप हमारे साथ बने रहिए हमारी टीम द्वारा, ड्रीम क्लासेस द्वारा। आपको हमारे यूट्यूब चैनल का तो नाम बिल्कुल पता होगा, ड्रीम क्लासेस, ठीक है। यहाँ पे हम आप लोगों को बैंकिंग, एसएससी, रेलवे, सीजीएल, यूपीएससी, एलडीसी, यूडीसी, जो भी कहिए, ठीक है, हर तरह की वीडियोस प्रोवाइड करेंगे और सब कुछ मैथ, रीजनिंग, जीके जीएस, ठीक है, इस पर ज़्यादा जोड़ दिया जाएगा, बट ये दोनों भी, इस पर भी हम लोग फोकस जल्दी करेंगे। बहुत सारे टीचर हैं और बोर्ड का भी थोड़ा ध्यान दिया जाएगा। 11 एंड 12th के भी वीडियोस यहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं और 10th के भी वीडियोस, ठीक है, 15 तारीख से आप लोग को 10th का वीडियोस प्रोवाइड होगा। तो कंटिन्यू आप लोग हमारे साथ बने रहिए इस वीडियो में लास्ट तक हमेशा, ठीक है, और हमारे हर एक वीडियोस को आप लोग देखिए और बहुत प्रॉफिट होने वाला है आप लोग को।